हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन अवर चैनल द न्यू इमेजिनर्स। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे ऑटोकैड के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग है सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशन। ये हमारे पास एक सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशन है। तो हम इसमें आज बात करेंगे कि ऑटोकैड, अगर कोई ऑटोकैड सीखना चाहता है तो बेसिक कैसे स्टार्ट करें, मीन्स उसके बेसिक वगैरह कैसे क्लियर होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन कमांड, आर्क, मिरर, कॉपी, ओके, ऑफसेट कमांड। तो ये जो कुछ हमारी बेसिक कमांड्स हैं आज हम इस सोफ़ा में यूज़ करेंगे और आपको हम बताएंगे कैसे यूज़ करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप होता है ड्राइंग, कभी भी हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले क्या होता है कि हम ड्राइंग को स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास जो ड्राइंग दी है ये इसके साइड पोर्शंस हैं। तो ये इसकी हाइट 50 है एंड इसका लेंथ जो इसकी 10 है। ओके, जो टोटल लेंथ है सोफ़ा की 50 50 50, मतलब 150। ओके, जो इसका जो फुट, ये फुट रेस्ट बना हुआ है, ये इसका जो फुट है वो कितना है, अगर हम इसकी लेंथ 10 है, अगर टू इस साइड से छोड़ दें, टू इस साइड से देखो राइट गाइस, जो हमारे पास सपोज करो किसी ड्राइंग में हमारे पास यहाँ पे जैसे ये वाली जो ड्राइंग है इसमें हमारे पास सारे यूनिट्स गिवन है, बट लाइक दैट मतलब ये वाले जो पोर्शन है इनमें हमारे पास यूनिट गिवन नहीं है। तो आपने इस टाइप से एज्यूम करना है कि मतलब ज़्यादा उसमें फ़र्क ना लगे कि हमने खुद से एज्यूम किया है। ओके, तो इसकी लेंथ 10 है तो टू हम इस साइड से गैप छोड़ देंगे, टू इस साइड से, तो यहाँ हमारे पास ये 6x2 का बन जाएगा। ओके, लेंथ इसकी 150 है। ओके, ऑफसेट्स की बात करें तो बेस से ऑफसेट इस लाइन का 10 का ऑफसेट है, इसका 20 का ऑफसेट है। ओके, और यहाँ पे 12 का ऑफसेट है, फिर यहाँ पे आर्क यूज़ हुई है। ओके, यहाँ से बात करें तो इसकी हाइट कितनी है, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट 18 हाइट है इसकी। ओके, यहाँ पे जो आर्क यूज़ किए स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंड 27 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास, आपको पता है ऑटोकैड में हमारे पास टू टाइप्स के प्लेन होते हैं, एक तो या तो हम ग्रिड को ऑफ कर दें, प्लेन शीट पे काम कर लें, या ग्राफिकल शीट पे काम कर लें। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास कमांड होती है लाइन कमांड, एल एडर, तो ऑर्थोन। ओके, यहाँ पे जो लेंथ है वो हमारे पास 10 है। ओके, एंड जो हाइट है हमारे पास वो है हमारे पास 50। ओके, एल एंटर, 50 हाइट। ओके, जिसका फुट बनेगा वो 6x2 का बनेगा, तो एल एंटर, आप यहाँ से टू इस साइड को आ सकते हो एंड टू डाउन साइड 6, तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके गाइज, तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है एल एंटर। ओके, यहाँ से मैं भी क्या करता हूँ 150 की लाइन ले लेता हूँ, 150। ओके, इसका ऑफसेट ओ एंटर कितना, 10 का ऑफसेट, और बेस इसका इरेज कर दूँगा मैं, ऑफसेट ओ एंटर कितना, 20 का ऑफसेट। नेक्स्ट है हमारे पास 12 का ऑफसेट। ओके, तो यहाँ पे हम आर्क यूज़ कर सकते हैं, आर्क स्टार्ट एंड डायरेक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग स्टार्ट एंड डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। एल एंटर, यहाँ से हमारे पास हाइट है 18। ओके, तो आप चेक करोगे ड्राइंग को, तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास जो पोर्शन है वो रेडी हो गया है। ओके, जो मैंने ये वाला ऑफसेट लिया था, मैंने एक लाइन बेस पे लगा दी 10 का ऑफसेट और बेस वाली लाइन डिलीट कर दी है। ओके, तो यहाँ पे अब जो हमारे पास है 90 हाइट इस लाइन से है, बट हमें क्या है ऊपर से चाहिए, तो 20 लेस हो जाएंगे, 70 रह जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले इसको मिरर कर लेते हैं। मिरर कमांड होती है हमारे पास MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मिरर कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास L एंटर, यहाँ से हमारे पास ये 70 आएगा। ओके, इसका ऑफसेट में दोनों साइड कर सकता हूँ क्योंकि इनकी जो स्पेसिंग है वो है 50-50 की, तो ऑफसेट दे सकता हूँ मैं इसको यहाँ पे 25-25 का, दिस साइड 25, दिस साइड एंड इरेज सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन। ओके, तो ये पोजीशन आपके पास रेडी हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, चेक करोगे आप ड्राइंग को, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंगल 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 27 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ से आर्क यूज़ करेंगे, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंगल, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, तो यहाँ पे हम एंगल फिल करेंगे 60 डिग्री। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट एंगल कितना है, 90 डिग्री।
start and direction, start point, end point, and 90 degree. Okay guys, यहाँ पे तो कुछ problem लग रही है. Start and direction is start and angle. Start point, end point and angle है हमारे पास 90 degree. Okay, तो ये हमारे पास 90 degree आ गया. Next है हमारे पास arc start and angle. Start point, end point, angle कितना है? 60 degree. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे arc आएगी वो आएगी start and arc, start and angle 27 degree. तो इसको हम नेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं. सी ओ एंटर बेस पॉइंट यहाँ से हमने क्लिक किया क्लिक. तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये हमारे पास सोफ़ा का फ्रंट एलिवेशन हमारे पास रेडी हो गया है. आप चेक कर सकते हो यहाँ से. तो ये हमारे पास ड्राइंग रेडी है. अब यहाँ से डायमेंशनिंग चेक कर सकते हो. डायमेंशन लीनियर डी एल आई भी कर सकते हो या लीनियर चेक कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ से. तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट्स हैं 50 है. ओके, यहाँ से हमारे पास जो कैप है 10 का. ओके, टोटल जो हमारे पास लेंथ है, टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ हमारे पास 150. तो गाइज़ ये हमारे पास ड्राइंग थी ऑटोकैड की. बेसिक जो हमारे पास अगर बेसिक की बात करें जिसमें हमारे पास आर्क यूज़ हुई, ऑफसेट यूज़ हुआ, मिरर यूज़ हुआ, लाइन यूज़ हुआ. ओके, तो ये हमारे पास बेसिक कमांड थी कुछ. तो ऐसी सिंपल सी डायग्राम थी ये ऑटोकैड में. अगर आप में से कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि ऑटोकैड सीखना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी. ओके, थैंक यू गाइज़.